अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं कहना चाहता हूँ एक गंदी मछली तक मैसेज पहुँचाना है मेरा कि क्यों हमारे जान का जोखिम बन रहे हो, क्यों मेरे सामने आ रहे हो। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हो गाइस, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैंने ना क्या है, आप लोग भी सोचोगे आप लोग से लेना देना मेरा कुछ नहीं गाइस। मैं ये एक गंदी मछली को मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जिसके अंडा ना आज तक का इतना करने के बाद भी, मेरा बोलने का मतलब यह है कि मैंने ना समझो गाइस, आज से एक साल पहले एक शॉप या नाला सुपारा में लिया था और मैंने बहुत गरीबों पे एहसान किया था। मेरे घर में कुछ पैसा नहीं आ रहा था, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मेरी रोजी होती, मेरे बिजनेस बहुत है, लेकिन वो शॉप से मेरे को पैसा नहीं आ रहा था। हम लोग अजमेर वगैरह घूमने गए तो मैंने दो चार बंदे दुकान पर रखा और सबको, मैं एक को नहीं सबको, कभी इसको कभी उसको कभी सबको साथ में लेके माल लेने के लिए जाता था। जो मैं प्लास्टिक का बर्तन वर्तन का सामान वहाँ पर डलवाया था मेरी दुकान के बाहर, मैं वहाँ जाता था माल लेता था। और उसके बाद मैंने चार महीने बाद वो दुकान बंद कर दिया, एक एक करके सबको रात GPL लेकर। अब यह हुआ, एक गंदी मछली का कीड़ा कौन है, अब वो गाइस समझ सकते हैं कि मैं आज 8 महीना हुआ वो दुकान बंद करके, 8-9 महीना हुआ। आज मेरा बर्थडे का दिन है तो आज मैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं मेरी वाइफ को बोला चलो फ्रिज के लिए नई बॉटलें भी, मैं नीचे नाश्ता वगैरह दूध वगैरह लेने जा रहा हूँ तो लेकर आता हूँ। अब मैं वहाँ पर गया तो सब मुझे ऐसा देख रहे। उसके बाद मैं बोला भाई, एक दो की जो शॉप बंद थी अब वहाँ से भी रिपोर्ट कुछ अलग आई। मैं अंदर गया, मैं बोला भाई जरा बॉटल दिखाओ, भाई आपका 2000 बाकी है, कैसे आपका इतना 5000 बाकी है। मैंने क्यों बोले, एक बंदा आता है, बोले आया था माल लेके गया था, दारू पी के आता था, ये करके आता था, बीच में हम लोगों को दिखा भी था, आपके साथ आता था भाई, वो तो माल लेकर गया था। मैं बोला कितनी बार लेकर गया, मेरे को दुकान बंद करके जमाना हो गया है। तो बोले वो बाद में, यानी वो मेरी दुकान से हटने के बाद भी ना वहाँ जाके माल थोड़ा बहुत ले रहा था, 1000-2000 देके, ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 2000 देके दो का माल ले रहा था, 2 लेके 4 का माल ले रहा था। उसके बाद लोग बता रहे भाई इतना इतना 2000 को 3000 इतना इतना बाकी है ये बंदे पे। मैंने बोला तुम लोग ने माल दिए कैसा, तुम लोग ने माल दिए कैसा, और मुझे मालूम है वो गंदी नाली का कीड़ा कौन है, वो एक गंदी मछली का अंडा कौन है। तो मैं वो गंदी मछली को बोलना चाह रहा हूँ कि भाई तारीफें करना फूल बहाना बंद कर तू, कि तेरा बहुत रोल हो गया, हम तो बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे तक आना नहीं, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल हो गया ना गाइस। मैं आज 8 महीने के बाद वो मार्केट में गया, लोग मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आपके यहाँ से माल लेके गया चुका है हमने, और ये भी बोल रहे बीच में बच्चा गोद में था, हम लोगों ने वो बार के बाहर देखे, पीछे पकड़ने को देखे तो ऐसा दौड़ा कि पूछने की बात नहीं, सर बच्चे को गोद में लेके दौड़ के भागा। तो ये गाइस आप लोग समझ सकते हो, बहुत से लोग समझ जाएंगे हाँ भाई ये किसकी बात हो रही है, और बहुत से लोग ना समझेंगे तो वो भी समझेंगे जरूर कुछ बात हो रही है करके, भाई ये बात इतनी कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब काहे के लिए भाई, हमारा नाम काहे के लिए खराब, किस चीज़ के लिए खराब, तुम अपने बल पे, तुम आज तक का अपने बल पे अपनी गांड से निकाल के पसीना तुमने कमाए नहीं, तुम हमारे बल पे पहले भी, और ये पहले भी है, हमारे बल पे भीख मांगे हो तुम आज भी हमारे, चूंकि लोग तो हमको ही बोले देखकर कर हाँ इसे की बात है। मैं बोला देखो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने क्या बोला, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जान तो जलेगी इंसान की कि भाई ये तो ऐसा हमारे इधर से ये करके वो करके हर चीज़ करके हमने हटा है, हमने वटा है, उसके बाद खली बली करे, उसके बाद में 3-5 हमारे साथ हो रहे, 3-5-6-8-10-15-80 सब हमारे साथ तुम गेम कर रहे हो, और तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे के साथ करे तो दूसरे के साथ अपने बल पे पटाओ, अपने बल पे करते रहो ना, तुम तो हमेशा हमारा सहारा लेकर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई। तो ये चीज़ जो है वो गंदी मछली तक बात पहुँचनी चाहिए, गंदी मछली ने ना
पूरे उसमें ना वो करके रखी है, एक गंदी मछली ना अपने अंडे को खराब करके रखती ना, तो ये वैसा अंडा है और उसके अंडे कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक गंदी मछली मर के सड़के भी जाएगी ना तो अपनी परछाई डबल टिबल से ज़्यादा छोड़ के जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा किसी से लेना देना नहीं है। मैंने वहाँ पे वो भाभी को भी मेरा YouTube ID भी देकर आया, मेरा नंबर भी देकर आया, मेरी वाइफ से भी फ़ोन पे बात करवाया। मैं तब करके आया, मतलब देखो भाई मेरा एक रुपया कभी बाकी है क्या? ऐसा कहता तुमने किसी को भी उठा के माल दिए, मेरे को कॉल किए, मेरी साइन लिए, मेरे को बुलाए, तुझे मिट्टी जबान वोट करती है। तो गाय ये अंडे में मिट्टी जबान नहीं, अभी क्या बोलूँ, इसकी जो मछली है ना, मछली मादा मछली, वो मछली में इतनी मिट्टी जबान है या उठने की बात नहीं जाए। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें हमारा कुछ लुकआउट नहीं है, तो मैं मैसेज इसलिए डाल रहा हूँ, कल को कुछ बड़ा कांड होगा और बड़ी चीज़ होगी तो मैं तो सामने खड़े रहूँगा। तो अपनी इज्जत है भाई, मेरे को नाला टोकारा शिफ्ट होकर 4 साल हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कोई एक सिगरेट वाला भी बोल दे, अरे क्या दुनिया की सिगरेट, दुनिया के एक एक पैकेट गुटखा खाता हूँ मैं, लेकिन शानू भाई ने कभी हमसे उधार एक रुपये का भी, यानी 10 रुपये के 4 गुटखा आते हैं मेरे, तो 170 का पैकेट आता है, और मैं सिंगल भी लेता हूँ, 4-8 भी लेता हूँ, कभी पैकेट भी लेता हूँ, लेकिन शानू भाई ने कभी 10 रुपये का 4 गुटखा उधार नहीं मांगे। तो मेरा सिर्फ बोलने का मतलब यह है, तो वो गंदी मछली का सवाल है, वो गंदी मछली ये चीज़ सोच ले रहे कि भाई हमसे दूर रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमसे बीच में रहे तो तेरा पर्दाफाश इसलिए है। तू ये मत समझ कि हम किसी की बातों पे कुछ सोचे हैं, कुछ बोल रहे थे तेरे को, हमने आँखों देखी आज तक सब कुछ बोले हैं, जो हम देखते आए और हमने आँख से देखे, कौन क्या सबूत सामने रखेगा कि इन्होंने देखे हैं उन्हें, उन्होंने देखे उन्हें, ये तो झूठ बोलते। जब मैं खड़े रह के बोलूँगा मैंने देखा हूँ और ये मेरे बाप की कसम मैं सही बोलूँगा। तो बात यह है कि भाई हमारे से दूर रहो तो बहुत अच्छी बात है, चलेगा अल्लाह हाफिज़। पर इतना ही बोलना था, मेरे को ये मैसेज खाली वीडियो में डालना है, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।